फ्रेंड्स वेलकम एवरीवन टू कमर्स का अड्डा। सबसे पहले तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल कमर्स का अड्डा शिल्पी गोयल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ चाहे वो एजुकेशनल हो या मोटिवेशनल हो आप वो सारी वीडियोस देख सकें। गाइस आज मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी है। एक बार एक लड़की होती है जिसका नाम होता है किरण। सेवेंथ स्टैंडर्ड की वो लड़की थी, रोज अपने स्कूल जाती है लेकिन वो स्कूल जाते जाते लेट हो जाती थी। रोज उसकी टीचर उसे डांटती थी, मारती थी कि तुम लेट क्यों आती हो। ऐसे ही चलता रहा, तीन हफ्ते हो गए। तीन हफ्ते तक उसे रोज पनिशमेंट मिलता था उसकी टीचर के थ्रू कि आप लेट क्यों आती हो, क्लास में टाइम पे आया करो। बट वो फिर भी अड़ियल टाइप की थी, वो रोज लेट ही पहुंचती थी। फिर एक हफ्ता वो स्कूल ही नहीं गई, पूरा एक हफ्ता बीत गया स्कूल नहीं गई। टीचर ने बच्चों से पूछा कि किरण क्यों नहीं आ रही है, तो बच्चों के पास भी कोई जवाब नहीं था कि किरण क्यों नहीं आ रही है। फिर पूरा एक हफ्ता होने के बाद फिर किरण स्कूल पहुंची, लेकिन इस बार सबसे शॉकिंग चीज क्या थी कि किरण सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। टाइम बच्चे भी नहीं आए थे, वो सबसे पहले स्कूल पहुंच चुकी थी। टीचर ने सबसे पहले तो जैसे ही क्लास में आई पहले तो किरण को पनिशमेंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो एक हफ्ते नहीं आई थी क्लास में। उसके बाद उसे शाबाशी दी ये कहते हुए कि चलो मेरी डांट और फटकार ने तुम्हें इतना तो सुधार दिया कि आज तुम क्लास में सबसे पहले आई हो। तो इस बात पर किरण बोली कि मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैम बोली हाँ हाँ बोलो क्या बोलना है। कि मैम मैं रोज इसलिए लेट आती थी तीन हफ्तों से क्योंकि अचानक चार हफ्ते पहले मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाते करवाते तीन हफ्ते मैं रोज उनके लिए खाना बनाती थी, हॉस्पिटल में खाना देती थी, फिर स्कूल आती थी। यही सब करते करते रोज स्कूल आने में लेट हो जाती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं अपनी माँ को बचा ना सकी और एक हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई। क्योंकि उनकी डेथ हो गई आज एक हफ्ते इसलिए मैं छुट्टी पे रही। आज ना तो मुझे किसी के लिए खाना बनाना था, ना ही किसी को हॉस्पिटल खाना देने जाना था। जब कोई काम ही नहीं था इसी वजह से मैं जल्दी आ गई। क्लास में ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। इस चीज को सुनकर, इस कहानी को सुनकर हमें क्या समझ आता है कि हम किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। हमें नहीं पता कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी मुसीबतें हैं जो वो झेल रहा है, बस उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, हम लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, बड़ी उम्र हो गई है यार तेरी, शादी नहीं हो रही है या माँ बाप कर नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं है तुम्हारे, हाँ हमारे तो हो भी गए हैं, पढ़ लिख के कर क्या लिया, नौकरी है नहीं तुम्हारे पास, अभी भी माँ बाप के पैसों पे खा रहे हो। क्या कभी किसी ने उस इंसान से पूछा जो ये सब झेल रहा है? एक तो वो पहले ही ये सब झेल रहा है, ऊपर से दुनिया उसको इतना क्रिटिसाइज कर देती है कि उसके सामने कोई और रास्ता ही नहीं रहता, वो हार मान जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसी की कंडीशन को समझिए, उसको समझिए कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको परेशान नहीं कीजिए, उसको उसके हालातों पर, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसको उसके हालातों पर छोड़ दीजिए ताकि वो अपने हालातों से खुद बाहर आ सके, ना कि आपके कसे हुए टोंट उसको परेशान कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।